हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर, बॉलीवुड में राइटर डायरेक्टर हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। अभी पिछले फ्राइडे 22 अक्टूबर को मेरी फिल्म एक्शन क्वीन मधुबाला बिहार में रिलीज़ हुई है। बिहार के कई थिएटरों में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया है। कुछ कारण की वजह से सभी जानते हैं, जैसे लॉकडाउन लगा था उस कारण ये फिल्म समय पर रिलीज़ नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो गई है। और अभी तक इस फिल्म का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। बिहार में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं, उन सारे फैंस लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि हमने फिल्म देखी, हमें अच्छी लगी। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से भी आज सुबह बात हुई, तो उन्होंने भी बताया कि कलेक्शन बहुत अच्छा आया है। फिल्म भले लेट हुई हो, लेकिन रिलीज़ के साथ इस फिल्म ने बिहार में तहलका मचाया हुआ है। सभी लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। मैं तो बॉम्बे में हूँ, लेकिन आप लोग जो मेरे दोस्त लोग, मेरे फैन लोग जो बिहार में हैं, जिन्होंने फिल्म अभी तक नहीं देखी है, वो भी देखिए और मुझे बताइए कि ये फिल्म आप लोगों को कैसी लगी। इस फिल्म में एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी, फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है। ये देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। सपना चौधरी, जो हरियाणा की सुपर डांसर है, उनकी ये पहली फिल्म है। उन्होंने पहली बार इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग किया है। तो आपको जो हमारी भोजपुरी फिल्मों की जो स्टार है गुंजन पंत, जो हीरोइन है इस फिल्म में, उनको और सपना चौधरी को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। तो जिन दोस्तों ने ये फिल्म नहीं देखी है वो भी देखिए और बताइए कि ये फिल्म आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों, बहुत जल्द मेरी और भी फिल्में जो लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी, समय पर रिलीज़ नहीं हो पाई थी, वो भी अब रिलीज़ होने वाली हैं। और कुछ मेरी वेब सीरीज भी आ रही है, 9 रेड हॉट पे मेरी वेब सीरीज आ रही है, दो वेब सीरीज आ रही है एक साथ, एक का नाम है मल्लिका जिसके 6 एपिसोड आ रहे हैं, और दूसरी है लेटर जो 5 एपिसोड लेकर आ रही है। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है लेकिन फुल एंटरटेनमेंट है। दर्शकों को ख़ास ध्यान में रख के जिस तरह मैं फिल्में बनाता हूँ कि हर वर्ग के दर्शकों को पसंद आए, उसी तरह मैंने वेब सीरीज भी बनाए हैं। और अभी हाल ही में मेरी एक और वेब सीरीज 1-1.5 महीने पहले उल्लू पर आई थी, नैन्सी, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो दोस्तों, इस तरह कुछ एक लॉकडाउन के बाद एक शुरुआत हुई है फिर से, जहाँ थिएटर बंद हो गए थे, फिल्में चलने की उम्मीद नहीं थी, वहीं मेरी फिल्म एक्शन क्वीन मधुबाला ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया। आज ही मेरी डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अच्छा कलेक्शन हो गया इस फिल्म का। तो जिन लोगों ने नहीं देखी दोस्तों, वो भी देखिए और बताइए कैसी लगी फिल्म। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। थैंक यू।